नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। स्वागत है योर वर्क चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए काफ़ी सारे करियर से संबंधित वीडियोस लाते रहता हूं। आज मैं एक्सप्लेन करता हूं कि भाई बैक ऑफिस आखिर होता क्या है, ऐसा कौन सा ऑफिस है जिसे बैक ऑफिस कहा जा रहा है, और बैक ऑफिस कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। भाई देखिए, बैक ऑफिस जो है ये कोई ऑफिस नहीं होता है, बल्कि एक पोर्शन होता है किसी कंपनी का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट पर्सनल जो होते हैं उन्हें गिना जाता है। अब ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे बैक ऑफिस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए साधारण लफ्ज़ों में अगर समझाऊं आपको कि ये नाम कैसे पड़ा इसका, बैक ऑफिस क्यों कहा जा रहा है। एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक कुछ सेल्स पर्सन होते हैं, कुछ मार्केटिंग के लोग होते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह देने के लिए, और बाकी लोग जो होते हैं वो लोग या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या तो फिर वो लोग जो है डेटा जो है उसे स्टोर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है जितना भी रिकॉर्ड है उसे जमा कर रहे हैं। अब आप समझिए, जो सेल्स पर्सन है, जो सर्विस पर्सन है, वो उनका क्या काम है, वो डायरेक्टली जो है कस्टमर से जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं। सो जो क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्शंस करते हैं, ये सारे लोग फ्रंट ऑफिस वर्कर्स कहलाते हैं, जो फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। और जो बैक ऑफिस है, मतलब जो लोग डेटा का संभालने का काम कर रहे हैं, जो डेटा स्टोर करके रख रहे हैं, या रिकॉर्ड्स रखते हैं, या आपके जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, ये सारे लोग बैक ऑफिस। क्यों? क्योंकि अगर आप एक खुद एक ऐसी कंपनी, ऐसी एक दुकान आप खोल रहे हैं, तो आप समझिए कस्टमर कहाँ पर आएगा, आपकी दुकान में पीछे तो नहीं आएगा, वो सामने से आएगा। तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो फ्रंट ऑफिस वर्कर्स कहलाएंगे, शॉप में सामने की तरफ बैठे हैं। और जितने अकाउंटिंग के लोग गए हैं या फिर आपके रिकॉर्ड्स वगैरह रखने वाले लोगों के, उनको आप सामने क्यों बैठाएंगे, उनका कुछ काम ही नहीं है सामने, तो उन्हें आप पीछे बैठाएंगे, इसलिए बैक ऑफिस वर्कर्स हैं। तो यही सिंपल सा एक लॉजिक है कि इन्हें बैक ऑफिस वर्कर्स कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ऐसा है कि बैक ऑफिस मतलब आप तो गए गुजरे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो क्या क्या काम होते हैं, देखिए कोई भी चीज़ सेटल करनी है, रिकॉर्ड्स रखना है, क्लियरेंस करना है, अकाउंटिंग है, या आईटी का जो काम होता है, वो सारे काम बैक ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ऑपरेशन से संबंधित फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे बैक ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। यही एक जो है दोस्तों पोर्शन होता है कंपनी का, जो कि फ्रंट ऑफिस जो है वो अच्छे से काम कर सके, स्मूथली काम कर सके, इसलिए बैक ऑफिस का तगड़ा होना काफ़ी ज़रूरी होता है, उनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पर कुछ काम अटकता है, बैक ऑफिस में कुछ काम अटकता है, तो फ्रंट ऑफिस को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। पहले के समय में जो होता था कि भाई एक कंपनी है, उसमें एक तरफ बैक ऑफिस दे दिया है, बाकी फ्रंट ऑफिस का काम है, तो जो बैक ऑफिस का काम है वहाँ पर डेटा वगैरह रखना, स्टोर करना, रजिस्टर बड़े बड़े रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ही वो डेटा होना ज़रूरी है, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो फ्रंट ऑफिस वर्कर जो है आकर के बैक ऑफिस में चेक कर सके, उनसे पूछ सके, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बात कर सके, जो भी कुछ चीज़ों को जानकारी होने चाहिए वो सारा चीज़ कर सके। लेकिन क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा आसान हो गया है। अब आप देखते हैं कि बैक ऑफिस जो बैक ऑफिसेज होते हैं वो उनका हेडक्वार्टर में ज़्यादा काम नहीं होता है, उनका एक सिटी में बनाया हुआ छोटा सा एक जगह होगी जहाँ पर बैक ऑफिस दे दिया है कंपनी ने, वो कंपनी से काफ़ी दूर हो जाता है, जहाँ पर मतलब हर एक चीज़ जो है चीप मतलब सस्ते में मिल जाए, ज़्यादा परेशान और ज़्यादा महंगा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ डेटा वगैरह स्टोर करना है, सारी चीज़ें दूर से भी हो जाती है, ऑनलाइन सब काम हो जाता है। इवन कंपनी जो है आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम भी दे देती है कि आप घर पर बैठे बैठे जो है हमारी चीज़ मैनेज करते रहिए। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि कंपनी के पास वो चीज़ करना, वहाँ पर सारी चीज़ें क्योंकि महंगी है, ज़बरदस्ती का जो है कॉस्ट लगता है, और कंपनी कोशिश करती हैं कि यार कॉस्ट कटिंग जितनी ज़्यादा आसानी से की जा सके। तो ये एक नुस्खा निकाला गया कि बैक ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाए किसी दूसरी लोकेशन पर, वहाँ पर सारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, तो जब भी अगर फ्रंट ऑफिस को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो बैक ऑफिस सारा डेटा मंगा सकते हैं। एक और नई चीज़ निकल कर आई है, आपने BPO सुना ही होगा, जिसमें बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो आजकल बहुत सारी कंपनी जो है आउटसोर्स भी कर देती हैं अपने डिपार्टमेंट को, कि बैक ऑफिस का काम जो है किसी अदर कंपनी को दे दिया, आप हमारे लिए सारा चीज़ संभालिए। अब उसमें जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भाई फलाना BPO है जो इस कंपनी के लिए आउटसोर्स कर रहा है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट में देखें दोस्तों, तो आप ये तो समझ गए होंगे बैक ऑफिस का काम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड
वाला होता है, बैठे रहिए और अपना काम करते रहिए, ना आपको क्लाइंट से मिलना है, ना किसी से जवाब तू तू मैं करनी है, ना किसी से सवाल जवाब करने हैं, अपना काम आप पेपर पर करेंगे, पेपर पर रख देंगे, मतलब आजकल लैपटॉप पर करेंगे, वहीं के वहीं काम निपटा देंगे, तो जॉब वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होती है, एक छोटा सा चैलेंज यहाँ पर भी होता है कि फ्रंट ऑफिस से कभी कभी आपको जो है इंटरेक्शन करना पड़ सकता है कि क्या चीज़ें अवेलेबल है क्या नहीं है, और उनको जो है डेटा पूरा प्रोवाइड करना होता है। अब बात आती है इसमें जॉब की। तो देखिए, काफ़ी सारी कंपनी जो है खुद ये काम करवाती हैं कि बैक ऑफिस में जो है अपनी ओपनिंग्स निकालती है, और जगह जगह पर इंडीड पर, Naukri.com पर, जितने भी प्लेटफॉर्म से वहाँ पर अपनी एड्स डाल देती हैं। मेरा जितना नॉलेज है उस हिसाब से अगर आप बैक ऑफिस का काम किसी कंपनी के अंदर ही कर रहे हैं, उसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी BPO में काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा या बहुत उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप एम्प्लॉय उस कंपनी के ना होकर के ये आउटसोर्स कंपनी के होते हैं, और वो उनका उतना अच्छा इंटरेक्शन कस्टमर के साथ नहीं होता, ना ही वो आपको उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ें, बस आपको अपने पेपर पर काम करना होता है। सो दोस्तों, आई होप आपको बैक ऑफिस के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में सुझाव ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।